Assalamu alaikum, dear friends. I welcome all of you to our YouTube channel Learn with Wafa. So dear friends, it has been 2 days that we have not uploaded any video. It was because of our busy schedule. Instead of so many requests and comments that candidates have dropped in the comment box, we could not upload any video for last 2 days. We apologize for that. तो दोस्तों, आज हम एक सेकंड पार्ट ला रहे हैं इन्फ्लेशन का, जो बहुत ही निहायत ही एक अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का. और इस इन्फ्लेशन में हमने अभी तक पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट. तो दोस्तों, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे. लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कन्फ्यूजन्स आप लोगों की क्लियर कराना चाहता हूँ. कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि ये वीडियोज जो बन रहे हैं हमारे, ये थोड़े से लेंथी हो रहे हैं. तो लेट मी मेक इट क्लियर टू यू कि हम जो है हम वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं. वी नो दैट हाउ टू टेकल विद वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. तो वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम अपीयर हुए हैं, क्वालिफाई भी किया है, एंड वी नो दैट हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. और इस एग्जामिनेशन के साथ डील कैसे किया जाता है, कैसे नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे लेक्चर्स आप लोगों को जरूरत है, एवरीथिंग डू वी नो. हर कोई चीज हमें पता है कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे आप लोगों को कैसे मटेरियल की जरूरत है, ये सब कुछ हम जानते हैं, क्योंकि वी हैव बीन थ्रू दीज एग्जामिनेशंस अ नंबर ऑफ टाइम्स. तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है. और बहुत से कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं कि क्या जो हम ये वीडियो सुनते हैं, क्या ये सफिशियंट है. सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू दैट दीज वीडियोज आर मोर देन सफिशियंट. ये वीडियो जो है इकोनॉमिक्स के जो अभी हम अपलोड कर रहे हैं, दे आर मोर देन सफिशियंट, बिकॉज वी कंसल्ट सो मेनी सोर्सेज एंड प्रिपेयर योर लेक्चर्स. हम वेरियस सोर्सेज कंसल्ट करते हैं, बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स, और बाकी इंटरनेट कंसल्ट करते हैं, बाकी सोर्सेज जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, तो वो कंसल्ट करके आप लोगों के सामने ये मटेरियल ला रहे हैं, ये वीडियोज ला रहे हैं. तो अभी जो आप वीडियो लेक्चर्स सुन रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली पहले लेक्चर से लेके आखिरी तक ये वीडियो लेक्चर सुने. उसके बाद जब हमें टाइम मिले तो हम एमसीक्यूज भी इसके लाएंगे, जो प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, और जो इससे रिलेटेड, इन लेक्चर्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और पीडीएफ भी इन लेक्चर्स का आप लोगों के सामने लेके आएंगे. तो ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, दे आर मोर देन सफिशियंट फॉर यू. वंस अगेन मैं कहता हूं कि बहुत सफिशियंट है ये, काफी है ये आप लोगों को एग्जाम में अपीयर होने के लिए, आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, बिकॉज ये इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है ये कंसेप्चुअल है, इसमें ज्यादा फैक्चुअल जो क्वेश्चन नहीं आते हैं. कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, अदरवाइज ज्यादा जो पोर्शन होता है वो कंसेप्चुअल होता है. तो कंसेप्ट आप जब समझोगे तो पूरे एग्जाम को आप अच्छी तरह से टैकल कर पाओगे. तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंस्ट्रक्शंस. आप लोगों को बोर होने की कोई जरूरत, अगर कोई वीडियो लेंथी भी हो जाए, देखिए हम वीडियो को, हम कोई किसी भी लेक्चर को, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन को एक ही लेक्चर में आप लोगों के सामने कंप्लीट करवा सकते हैं. लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे भाई हैं, ताकि उनको जो हम वीडियो लेक्चर्स उन तक पहुँचा रहे हैं, उनको इन वीडियो लेक्चर्स के जरिए से बहुत ज्यादा फायदा हो. तो हमारा मकसद ये नहीं कि आप हमारी चैनल को देखें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इतना ही. हमारा मकसद ये है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले हमारी तरफ से. तो इसलिए अगर कोई वीडियो लेक्चर हमारा लेंथी भी हो जाता है, कोई टॉपिक जो है इन्फ्लेशन है फॉर एग्जाम्पल, ये 4-5 लेक्चर्स में भी एक्सटेंड होता है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. जस्ट बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट. आप लोगों को सब्र रखना है, पेशेंस रखनी है, और कंसिस्टेंसी रखनी है, कंटिन्यूअसली हमारे वीडियोस देखने हैं. तो जितने भी लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे वो सारे लेक्चर्स आप लोगों को देखने हैं. एंड आई होप कि जो बंदा आप लोगों में से पहले वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक हमारा जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन या बाकी जो हम पोर्शन अपलोड करेंगे, तो जो बंदा सबसे पहले वीडियो से लेके आखिरी तक हमारे वीडियो सुनेगा, इंशाल्लाह आई होप के वो एग्जाम को अच्छी तरह से टैकल कर पाएगा. तो ये थी कुछ रिक्वेस्ट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए. अब
हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो फ्रेंड्स नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो फ्यूचर में नोटिफिकेशन जो वीडियोज़ हम अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो माय डियर फ्रेंड्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज एंड दिस इज अवर लेक्चर नंबर 14। ये हमारा 14th लेक्चर है इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स। तो इससे पहले हमने टाइप्स किए हैं डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ रेट। उसमें हमने पढ़ा मॉडरेट इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन, उसमें हमने पढ़ा गैलपिंग इन्फ्लेशन, उसमें हमने पढ़ा हाइपर इन्फ्लेशन। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज। तो कॉजेज जो होते हैं इन्फ्लेशन के, उसकी बुनियाद पे इन्फ्लेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो पहले हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दो कंसेप्ट समझने होंगे। हम सुपरफिशियली यहां पे समझेंगे वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो पूरी इकोनॉमी की डिमांड होती है। जब हमने डिमांड पढ़ा था तो उसमें हम एक इंडिविजुअल की डिमांड पढ़ रहे थे। डिमांड जब हम पढ़ रहे थे तो हम इंडिविजुअल की डिमांड पढ़ रहे थे, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसी तरह से हमने सप्लाई पढ़ा था तो हम इंडिविजुअल की सप्लाई की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं या एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है ये पूरी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड होती है। एग्रीगेट डिमांड मीन्स द डिमांड इन द होल इकोनॉमी एंड एग्रीगेट सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ द होल इकोनॉमी, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन जनरल प्राइस लेवल व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस मच मोर रैपिडली देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होती है जब राइज इन जनरल प्राइस लेवल होता है। इन्फ्लेशन जैसा कि हमें पता है कि इसका मतलब है कि जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होती है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होती है जब प्राइस लेवल राइज होती है, ठीक है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस मच मोर रैपिडली देन एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है, यानी इकोनॉमी में जो डिमांड होती है पूरे लोगों की, तमाम जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड जो होती है वो फास्टर रेट पे इंक्रीज होती है एग्रीगेट सप्लाई से। जो प्रोड्यूसर्स की तरफ से सप्लाई होती है और जो कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा इंक्रीज होती है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि यहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा इंक्रीज होती है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। और यह डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब मिसमैच होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में। यही है मिसमैच जो हम ऊपर अभी डिस्कस कर रहे थे कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा इंक्रीज होती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो ये एक मिसमैच होता है, यानी इसका मतलब यह है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक ही बैलेंस्ड मैनर में इंक्रीज नहीं होते, बल्कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है ज्यादा एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। अब जेएम कीन्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जेएम कीन्स, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये कहते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है आइदर द डिमांड इंक्रीजेस ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई। डिमांड जो होती है वो इंक्रीज होती है ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई सेम रहती है और डिमांड इंक्रीज होती है। या दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि सप्लाई डिक्रीज होती है डिमांड सेम रहती है, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं। जेएम कीन्स कहते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो दो कंडीशंस में ऑकर होती है। एक ये कि डिमांड इंक्रीज होती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई सेम है लेकिन डिमांड इंक्रीज हुई। या दूसरी दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि सप्लाई डिक्रीज हुई लेकिन डिमांड सेम है यहां पे,
ठीक है। तो ये दो कंडीशन है जो जेएम कीन्स कहते हैं कि इन ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है इन दो कंडीशन में ऑकर हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड साइड फैक्टर्स की तरफ से ऑकर होती है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑकर्स, इट इज कॉज्ड बाय डिमांड साइड फैक्टर्स। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में सप्लाई साइड फैक्टर्स का कोई भी इसमें इंटरवेंशन नहीं रहता, कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है सप्लाई साइड फैक्टर्स का। जब भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है तो वो डिमांड साइड फैक्टर्स की वजह से होती है। ठीक है, लेकिन जो मॉनेटरिस्ट स्कूल है, मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, अभी हम केनिजियन स्कूल का पढ़ रहे थे, केनिजियन स्कूल ऑफ थॉट जो है, कीन्स जो है वो कहते हैं कि डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड वो इंक्रीज होती है ओवर सेम लेवल ऑफ सप्लाई, सेम सप्लाई सेम रहती है डिमांड इंक्रीज होती है, या सप्लाई डिक्रीज होती है तो डिमांड सेम रहती है। ठीक है, ये दो कंडीशन है। लेकिन जो मॉनेटरिस्ट स्कूल है वो क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर ओवर द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये कहते हैं कि इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है, इकोनॉमी में जब क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मीन्स मनी, ठीक है, जब ज्यादा ज्यादा मनी क्रिएट होता है, जब ज्यादा परचेजिंग पावर क्रिएट होता है इकोनॉमी में ओवर सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम है, सप्लाई सेम है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई सेम है, लेकिन मनी ज्यादा क्रिएट हुआ तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अभी तक हमारे पास 100 रुपए होते थे, अब हमारे पास 1000 रुपए आए। ठीक है, तो हम जब मार्केट में जाते हैं वहां पे सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे आए हैं, तो हम जिस चीज के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार होते थे उस चीज के लिए हम 100 रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाती है। जब हमारा परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है, जब हमारी मनी लेवल जो है, मनी सप्लाई जो है इंक्रीज होती है इकोनॉमी में, तो इससे भी कंज्यूमर्स जो है उनकी तरफ से डिमांड साइड से फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाती है। ठीक है, इन सच ए सिचुएशन टू मच मनी चेंजेस अ लिटिल आउटपुट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारा मनी जो है वो कुछ ही आउटपुट या प्रोडक्शन को चेंज करता है, यानी बहुत सारा मनी जो है वो फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता है। तो जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि ये इन्फ्लेशन में जो है मनी का वैल्यू डिक्रीज होता है, वो आप यहां पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टू मच मनी चेंजेस लिटिल आउटपुट, यानी बहुत सारा मनी जो है वो कुछ ही चीजें खरीद सकता है, इसका मतलब ये है कि मनी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा दो स्कूल्स ऑफ थॉट, जेएम कीन्स, केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट एंड मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट सेज दैट डिमांड इंक्रीजेस ओवर सेम लेवल ऑफ सप्लाई और सप्लाई डिक्रीजेस विद सेम लेवल ऑफ डिमांड, एंड मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट सेज दैट डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा मनी सप्लाई, एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर ओवर द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन रहती है उस टाइम मनी सप्लाई भी सेम रहनी चाहिए, जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी फिर हम मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हुई विदाउट इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी इकोनॉमी में, उससे इन्फ्लेशन की रेट जो है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, और उससे मनी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती कैसे है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय मॉनेटरी एज वेल एज रियल फैक्टर्स। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो दो फैक्टर्स की वजह से होती है, मॉनेटरी फैक्टर्स एंड रियल फैक्टर्स। ये हम देखेंगे कि मॉनेटरी फैक्टर्स क्या है, रियल फैक्टर्स क्या है। मॉनेटरी फैक्टर्स इंक्लूड द इंक्रीज इन मनी सप्लाई ओवर द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक कंसेप्ट आप लोगों को यहां पर समझना है। देखिए, एक इकॉनमी में हमेशा जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है, जो प्रोडक्शन होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो फॉर एग्जांपल एक टाइम पे फिक्स्ड है। अब अगर इसी फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमी में हम गैस सिलेंडर्स की बात करेंगे, अगर एक इकोनॉमी में 1 लाख गैस सिलेंडर्स बनते हैं, ठीक है, और हमारे पास इकोनॉमी में 1 करोड़ रुपया है,
उस टाइम पे, ठीक है, 1 लाख गैस सिलेंडर्स इकोनॉमी में बन रहे हैं, लेवल ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन जो है वो 1 लाख सिलेंडर्स है, और इस टाइम पे इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो है 1 करोड़, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे ये जो हम खरीद रहे हैं ये 1 लाख गैस सिलेंडर्स इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल ये हम 100 रुपीज पर सिलेंडर खरीद रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। दो कंडीशंस हमने बताई, 1 लाख गैस सिलेंडर्स आर देयर एंड 1 करोड़ रुपीज आर सर्कुलेटिंग इन द होल इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। फॉर एग्जांपल अंडर दीज कंडीशंस वी आर परचेजिंग पर गैस सिलेंडर पर 100 रुपीज, लेकिन अब अगर ये लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहती है, प्रोडक्शन सेम रहती है, यानी गैस सिलेंडर्स का नंबर जो है वो सेम रहता है 1 लाख, लेकिन हमारी इकोनॉमी में जो है 1 करोड़ के बदले मनी क्रिएट हुआ ज्यादा, यहां पे मनी सप्लाई हो गई 2 करोड़, तो हम 100 के बदले 200 रुपये देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे इस गैस सिलेंडर के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारी जो है मनी सप्लाई वो इंक्रीज हुई है, हमारे पास परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हुआ है ओवर सेम लेवल ऑफ आउटपुट, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो जब सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मॉनेटरी फैक्टर्स जो है दे इंक्लूड इंक्रीज इन मनी सप्लाई ओवर सेम लेवल ऑफ आउटपुट, सेम लेवल ऑफ आउटपुट पर, एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पर, गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से जरूर इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज होना क्या चाहिए, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो वहां से लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज होना चाहिए, तो तब जाके ये दोनों बैलेंस में रहेंगे, तब जाके लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मनी सप्लाई के साथ बैलेंस्ड अप्रोच में रहेगा, बैलेंस्ड मैनर में रहेगा, ठीक है। तो उस वजह से फिर इन्फ्लेशन नहीं होगी, लेकिन जब एक इम्बैलेंस होता है, लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहता है और मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, उसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और इस इम्बैलेंस की वजह से इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होती है, और ये इन्फ्लेशन बहुत ही हार्मफुल होती है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। नाउ दीज वर द मॉनेटरी फैक्टर्स, मॉनेटरी फैक्टर्स में फिर हमने ये पढ़ा कि मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई एक इकोनॉमी में जब इंक्रीज होती है ओवर सेम लेवल ऑफ आउटपुट तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या फैक्टर है, रियल फैक्टर्स, रियल फैक्टर्स मतलब इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करता है तो इसकी वजह से भी इनडायरेक्टली इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट होता है, इससे इकोनॉमी मनी चला जाता है, जब गवर्नमेंट स्पेंड करता है तो इकोनॉमी में मनी चला जाता है, इससे इकोनॉमी की मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, तो मनी सप्लाई से आपको पता ही है कि कैसे इन्फ्लेशन होती है। कट इन टैक्स रेट्स, जब गवर्नमेंट टैक्स रेट्स कम करता है तो इसका मतलब है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पास पैसा रहता है, क्योंकि जो पैसा वो टैक्स के लिए देते थे अब उनको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब कि इकोनॉमी में पैसा रहा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा रही और इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाएगी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तो हमें पता ही है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, रैपिड जीडीपी ग्रोथ, जब जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी विच लीड्स टू मोर एम्प्लॉयमेंट, इससे जीडीपी ग्रोथ जब हो जाएगी रैपिड, एक इकोनॉमी में जब जीडीपी ग्रोथ हो जाती है फास्टर रेट पे, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और इसे हायर वेजेस देने पड़ते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो जब हायर वेजेस देंगे तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए हम कहते हैं कि ये फैक्टर्स हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन को उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहां पे और एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, जेम कीन्स कहते हैं कि वो प्राइस राइज, हम जनरली कहते हैं कि प्राइस राइज, जब जनरल प्राइस राइज होता है इकोनॉमी तो वो इन्फ्लेशन होता है, लेकिन कीन्स जो है वो कहते हैं कि वो प्राइस राइज जो फुल एम्प्लॉयमेंट के वक्त होता है वही इन्फ्लेशन है, ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंग टू कीन्स द प्राइस राइज ओनली एट द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है,
फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि जब हम सारे रिसोर्सेज इकोनॉमी के यूटिलाइज करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं हम उनको 100% यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो प्राइस राइज होगा, उस फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जो प्राइस राइज होगा वही इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। अगर इकोनॉमी में बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर इकोनॉमी में लेवल, ये लेवल एम्प्लॉयमेंट की लेवल बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट अभी तक अचीव नहीं हुई है, तो उस टाइम जो प्राइस राइज होगा वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा, दैट विल नॉट बी इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कीन्स का मकसद शॉर्ट में यह है कि जो प्राइस राइज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सिस के वक्त होगा वही इन्फ्लेशन कहलाएगा, ठीक है। जो फुल एम्प्लॉयमेंट जब नहीं होगी तब जो प्राइस राइज होगा वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब जो दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन जो है ये खाली डिमांड साइड फैक्टर्स की तरफ से नहीं होती, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय डिमांड साइड फैक्टर्स, बट इन्फ्लेशन इज नॉट कॉज्ड बाय डिमांड साइड फैक्टर्स अलोन, ठीक है। इन्फ्लेशन डिमांड साइड फैक्टर्स की वजह से ही खाली नहीं होती, बल्कि जो सप्लाई साइड फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से भी कभी कभी इन्फ्लेशन होती है। कैसे? एन इंक्रीज इन फैक्टर इनपुट कॉस्ट्स लाइक वेजेस एंड रॉ मटेरियल्स आल्सो पुशेस अप प्राइसेस, यानी जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं उनके जो कॉस्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वेजेस देते हैं हम लेबर को, फैक्टर इनपुट है एक लेबर जो है वो एक फैक्टर इनपुट है, ठीक है, उसको हम रिम्यूनरेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। जब उनकी वेजेस इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है जो वो गुड्स एंड सर्विसेज वो लेबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस उन गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट इंक्रीज हुआ, ठीक है। जब हम लेबर को वेजेस देते हैं तो वो लेबर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ये उनका वेजेस इंक्रीज होना इससे असर पड़ेगा उस चीज के कॉस्ट पर जो ये लोग बना रहे हैं, ठीक है, जो ये लेबर्स बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर रॉ मटेरियल में इंक्रीज हुआ इसके मतलब प्राइस में, ठीक है, इसके कॉस्ट में इंक्रीज हुआ तो फिर क्या होगा, फिर जो ये रॉ मटेरियल से जो चीज हम बनाते हैं तो उसके प्राइस पर भी असर पड़ेगा, उसका प्राइस भी राइज होगा, ठीक है। तो जब फैक्टर इनपुट कॉस्ट में इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी उन चीजों के फिर राइज हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है ये सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये सप्लाई साइड फैक्टर्स, दीज आर नॉट डिमांड साइड फैक्टर्स, ओके। अब जो प्राइस राइज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब इंक्रीज हुई, यानी जब वेजेस में इंक्रीज हुआ, रॉ मटेरियल्स के प्राइस में इंक्रीज हुआ, ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब इंक्रीज हुआ और उसकी वजह से जो प्राइस राइज हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मार्कर्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम व्हाइट बोर्ड्स मार्कर बोर्ड्स बना रहे हैं, ठीक है, जब उस मार्कर बोर्ड में जो रॉ मटेरियल यूज होता है जब उसके प्राइस में इंक्रीज हुआ, जब लेबर्स ने ज्यादा चार्जेस मांगे, तो उस सब का असर जो है वो मार्कर जो व्हाइट बोर्ड है हमारा उसके प्राइस पर पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो जब इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज होती है उसकी वजह से जब जो फाइनल गुड बनता है उसके प्राइस में राइज होता है, उस प्राइस राइज को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय सप्लाई साइड फैक्टर्स, तो ये हमें पता ही है, हमें खुद पता चला कि जब कॉस्ट की तरफ से जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जब प्राइस राइज होगा तो वो कॉस्ट सप्लाई साइड फैक्टर ही होगा, ठीक है, वो सप्लाई साइड फैक्टर होगा। और ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ये किन किन चीजों की वजह से होती है, राइज इन लेबर कॉस्ट, जब लेबर के कॉस्ट में यानी वेजेस में इंक्रीज होगा तब भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। हायर कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल्स, जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से, जो हम इंपोर्ट करते हैं मटेरियल्स, उनका जो कॉस्ट राइज होगा तो उसकी वजह से भी उनका प्राइस राइज होगा। मोनोपोली ऑफ ए सिंगल सप्लायर एनेबलिंग हिम टू सेट प्राइसेस, तो मोनोपोली मार्केट जैसे हमने पढ़ा था कि वहां पे प्रोड्यूसर जो होता है, जो मोनोपोलिस्ट होता है वो होता है प्राइस मेकर, वो खुद ही प्राइस सेट करता है, तो इस तरह से वो
सप्लाई साइड फैक्टर बन जाता है प्राइस राइज का, ठीक है, इन्फ्लेशन का। तो ये चीज़ें हैं जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की तरफ से होती है, तो इन चीज़ों की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से भी प्राइस राइज होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। और इस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स हैं फर्दर, ठीक है। वेज पुश इन्फ्लेशन है पहला, ठीक है, दूसरा है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, ठीक है। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। वेज पुश इन्फ्लेशन, वेजेस जो है, वेजेस कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइस, ठीक है। वेजेस प्राइस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। देखिए, जब भी हमारे पास कोई चीज आती है, हम जब शॉप पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हम दुकानदार से बोलते हैं, हम मार्केट में शॉपकीपर से बोलते हैं या फर्म वाले से बोलते हैं कि ये चीज कितने में मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उस चीज को बनाने में कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो उसमें कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो वो कॉस्ट क्या होता है, वो वेजेस की शक्ल में होता है, वो एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट की शक्ल में होता है, ठीक है, वो रेंट की शक्ल में होता है। तो वो चीजें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है, ठीक है। इसी तरह से वेजेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्राइस का, ठीक है। प्राइस तभी फिक्स होती है किसी चीज की जब उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, ठीक है। देयरफॉर अ राइज इन वेजेस कॉजेज अ राइज इन प्राइसेस। तो ऑटोमेटिकली ये तो सीधी सी बात है, जब लेबर्स के वेजेस में इंक्रीज होगा तो जो चीज वो बना रहे हैं उसके प्राइस में भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। वेज पुश इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एक्सरसाइज ऑफ मोनोपोली पावर बाय लेबर यूनियंस टू गेट द मनी वेजेस एनहेंस्ड, ठीक है। वेज पुश इन्फ्लेशन अब कैसे होती है, देखिए, जब लेबर यूनियंस जो होते हैं उनकी मोनोपोली पावर जो उनके पास होता है, वो फर्म वालों से, इंडस्ट्री वालों से ये काम करवाते हैं कि अपनी वेजेस जो है वो इंक्रीज करवाते हैं, एनहेंस करवाते हैं। इससे असर किस चीज पे पड़ता है, इससे असर उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस पर पड़ता है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी इन्फ्लेशन होती है। और जब इन्फ्लेशन होती है बिकॉज ऑफ राइज इन वेजेस, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल, ठीक है। व्हेन इन्फ्लेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ राइज इन द वेजेस ऑफ लेबर्स, इट इज नोन एज इन्फ्लेशन स्पाइरल। दूसरा टाइप है इसका प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, द यूज ऑफ मोनोपोली पावर बाय द मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोलिस्टिक फर्म्स टू रेज द प्राइस इन ऑर्डर टू एनहेंस देयर प्रॉफिट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या होता है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन में, जो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं, और ऑलिगोपोली में जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, इनके पास कुछ मोनोपोलिस्टिक पावर भी होता है कभी कभी। हमने पढ़ा था कि ओलिगोपोली में कार्टेल्स जब बनते हैं तो उनके पास मोनोपोली पावर आता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने पढ़ा था, इट इज ए मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, ठीक है, इसमें कंपटीशन भी होता है और मोनोपोली के भी कुछ फीचर्स होते हैं। तो यहां पे भी जो पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस पर, इस प्रोड्यूसर का, इस फर्म वाले का पार्शियल कंट्रोल रहता है। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में जब कार्टेल्स बनते हैं तो उनके पास मोनोपोली पावर आता है, ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं। तो यहां पे क्या होता है, फिर जो उनके पास फिर मोनोपोली पावर आता है, ये खुद रेज करते हैं प्राइसेस, ठीक है, इन ऑर्डर टू एनहेंस देयर प्रॉफिट्स, ये अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के लिए प्राइस को राइज करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी फिर क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स, इसको कहा जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन हमको पता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और बाकी जो भी टाइप्स हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स हैं, ठीक है, मोनोपोली है, उनको कहा जाता है, उन तीन टाइप्स को, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन फर्म्स का एग्जिस्ट होना जरूरी है किस चीज के लिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है, ताकि वो प्राइस को राइज करें अपनी चॉइस से और अपने प्रॉफिट के लिए राइज करें प्राइस को, तो उस वजह से फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस जो है मोनोपोलिस्टिक फर्म्स और ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स की, वो नेसेसरी कंडीशन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। और तीसरा टाइप जो है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। सप्लाई शॉक इज अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मेजर कमोडिटीज, ठीक है। जब देखिए, हम भी सुनते हैं कि कभी कुछ कमोडिटीज जो है वो बहुत कम पड़ जाती हैं, ठीक है, यानी उनका सप्लाई शॉक हो जाता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड उनकी सप्लाई में जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम, उस टाइम क्या होता है, जब ये डिक्रीज होती है
उनकी सप्लाई, तो उन चीज़ों के प्राइस में जो वो बहुत हाई इंक्रीज हो जाती है, राइज हो जाती है उनकी प्राइस में, ठीक है। तो उस टाइम हम उसको कहते हैं सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, दिस लीड्स टू द राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। उस टाइम हम उस इन्फ्लेशन को कहते हैं सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स, ये हैं दो टाइप्स इन्फ्लेशन के ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उसकी बुनियाद पे तीन टाइप्स हैं, मॉडरेट इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद दूसरा टाइप पढ़ा था हमने गैलपिंग इन्फ्लेशन, जिसका हमने और भी कुछ नाम बोले थे, लाइक रन अवे इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हॉपिंग इन्फ्लेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा था हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। नाउ वी हैव डिस्कस्ड टुडे अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी विल कंक्लूड अवर टुडेज लेक्चर, एंड आई वुड लाइक वंस अगेन रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स कि इस लेक्चर के जो इन्फ्लेशन टॉपिक जो है, इसके हम 5-6 लेक्चर्स बनाएंगे, ताकि जो पूरे सारे एस्पेक्ट्स इसके कवर हो जाएं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जाए आप फौरन उसका जवाब दे पाएं, ठीक है। मेरी और उन फ्रेंड से गुजारिश है जो कहते हैं कि आप लोग लेंथी वीडियोस बना रहे हैं, एक टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, तो मेरी फ्रेंड से गुजारिश है कि आप लोग सब्र रखें, पेशेंस रखें, कंसिस्टेंसी रखें, प्लीज़ आप अच्छी तरह से इन वीडियोस को देखें, पूरा मटेरियल इनसे हासिल करें, जो भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं वो बनाइए, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि अगर हम एक टॉपिक के साथ 8 वीडियोस भी बना सकें वो भी बनाएं, ताकि आप लोगों को पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। कोई भी एस्पेक्ट किसी भी टॉपिक का आप लोगों को मिस ना हो, ये हमारी कोशिश रहती है, वरना हम इस इन्फ्लेशन को एक ही लेक्चर में भी समेट सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है कि आप लोग इस एग्ज़ाम में, जो आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, 10,000 पोस्ट्स आने वाले हैं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अच्छी तरह से इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें, यही हमारा मकसद है और यही हमारा गोल है, और ये इस गोल को लेके हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है, ठीक है। बाकी जो लोग हमारी चैनल को देखकर बोर होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बोर ना हो जाएं, प्लीज़ आप लोग पेशेंस के साथ हमारे चैनल को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। इंशाल्लाह हम आगे जब ये इन्फ्लेशन का टॉपिक जो है, बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि MCQs लाएं, तो इन्फ्लेशन का जब टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मार्केट डिस्कस किया है, डिमांड डिस्कस किया, डिमांड एनालिसिस, और इन्फ्लेशन डिस्कस किया, और उससे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इस सब पे हम एक दो वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि MCQs भी हम लाएँ आप लोगों के लिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग एग्जाम्स को क्वालिफाई करें और अच्छी तरह से क्वालिफाई करें, ठीक है। तो लास्ट में हमारी फिर से अपने फ्रेंड्स से ये गुजारिश है कि जिन फ्रेंड्स ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़। Peace.